अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ ही साथ दबाएं बेल का आइकन, जिससे जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन, जी सॉफ्ट में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जे फाइल चूज़र के फ़िल्टर के ऊपर। जैसे कि कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि सर आप ऐसा कुछ वीडियो बनाएं जिससे हम जान सके कि जिसे जे फाइल चूज़र में जो सारी फाइल्स दिखती हैं सिलेक्ट करते टाइम, तो वो चाहते हैं कि सिर्फ कोई पर्टिकुलर फाइल ही दिखे। अभी जैसे यहाँ पे जितनी भी फाइल्स है सब दिख रही है। जैसे अब उनको इमेज फाइल सिर्फ सिलेक्ट कराना है तो सिर्फ यहाँ पे इमेज फाइल दिखना चाहिए, या कोई डॉक्यूमेंट फाइल उनको सिर्फ सिलेक्ट कराना है तो डॉक्यूमेंट फाइल सिर्फ दिखना चाहिए। इस तरीके से उनको एक फ़िल्टर चाहिए कि ताकि जे फाइल चूज़र के थ्रू वो फाइल्स फ़िल्टर कर सके और सिलेक्ट कर सके। तो उसके लिए मैंने एक सोल्यूशन निकाला है। सिंपली आपको करना ये होगा कि आपके जो जहाँ पे आपने कोड लिख के रखा है ब्राउज़ करने के लिए, उस वहाँ पे आपको जाना है। और आपने मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, पुराने वीडियोस में आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके किस तरह से फाइल चूज़र यूज़ करते हैं। और आपको करना ये होगा कि यहाँ पे आपने से लिख के रखा है जे चूज़र, आपने जो न्यू कॉल करा रखा है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर इसके आगे दो लाइन का कोड लिखना है आपको, आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखना है आपको फाइल फिल्टर, और यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे इमेज फिल्टर या फिल्टर के नाम से भी आप बना सकते हैं। इक्वल्स टू, इसके आगे आपको लिखना होगा यहाँ पे न्यू फाइल न्यू एक्सटेंशन फिल्टर, और यहाँ पे आपको कुछ भी दे देना है। यहाँ पे जैसे मैं फाइल्स लिख दे रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे, और कॉमा लगा के इसके आगे मुझे लिखना है यहाँ पे इमेज आई ओ डॉट गेट रीडर फाइल सफिक्सेस। तो अब उससे ये होगा कि आप जब भी आपका फाइल चूज़र कॉल करेंगे तो ये सिर्फ फाइल जिन में इसको सफिक्स मिलेगा, फाइल इमेज फाइल का सफिक्स मिलेगा, सिर्फ वही दिखेंगी सारी फाइल्स। और यहाँ पे आपने चूज़र को जो सिलेक्ट करा रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं चूज़र, तो यहाँ पे आपको लिखना है चूज़र डॉट सेट फाइल फिल्टर, और इसके अंदर आपको सिर्फ जो आपने यहाँ पे वेरिएबल के अंदर अभी आपने कोड लिखा है वो लिखना है, और यहाँ पे आपको क्लोज़ कर देना है सेमी कॉलन लगा के। तो यहाँ पे अभी आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे तीन एरर बता रहा है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको एक बल्ब दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको इम्पोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। मैंने आपको बताया प्रीवियस वीडियो में, फाइल्स जब भी आप कोई भी लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, लाइब्रेरी का फंक्शन यूज़ करते हैं, तो आप क्लास यूज़ करते हैं तो आपको उसी क्लास लोड करानी होती है, लाइब्रेरी लोड करानी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लोड करी है, तो यहाँ पे इस पे से एरर हट गया है। और फिल्टर पे भी मैं लगा देता हूँ, और लास्ट एक्सटेंशन वाले पे भी लगाना है, तो एक्सटेंशन वाले पे भी हम लगा देते हैं फ़िल्टर। हमने लाइब्रेरी लोड करा दी और यहाँ पर एरर चली गई है, तो मैं आपको उसको रन करके बता देता हूँ एक बार। जैसा कि आपने देखा था कि सारी इमेजेस दिखा रहा था वो, और इस अब वो सिर्फ इमेज सारी फाइल्स दिखा रहा था, अब ये सिर्फ इमेजेस सिलेक्ट करके बताएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे जैसे डाउनलोड्स पर अगर मैं जाता हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे डेस्कटॉप पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ डेस्कटॉप पे। देख सकते हैं यहाँ पे पीडीएफ फाइल रखा है, इमेज है, सारी फाइल्स है, लेकिन सिर्फ इमेज फाइल ही मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। देख सकते हैं अब मैं डेस्कटॉप पे आ गया हूँ। इसी तरीके से आप फिल्टर लगा सकते हैं। आपको मैं एक फ़िल्टर और बता देता हूँ, जैसे कि आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट का लगाना है, सपोज़ आपको लगाना है पीडीएफ फाइल का, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड में आपको यहाँ पे सिर्फ एक्सटेंशंस के नाम लिखने, जैसे पीडीएफ कॉमा, जो भी आपको आगे एक्सटेंशंस देने हैं सारे आप कॉमा सेपरेटेड में आप दे सकते हैं सिंपली। अभी इससे मुझे सिर्फ पीडीएफ का फ़िल्टर चाहिए, तो मैं पीडीएफ का भी आपको रन करके बता देता हूँ। यहाँ पे पीडीएफ लिखा है मैंने, और मैं रन कर देता हूँ,
अब मुझे यहाँ पे सिर्फ पीडीएफ फाइल ही सिलेक्ट करने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपॉइंटमेंट रिसिप्ट और पीडीएफ आ गया है यहाँ पे। और डाउनलोड्स में भी मैं जाता हूँ, यहाँ पे कोई पीडीएफ नहीं है। डी ड्राइव में मैं जाता हूँ, डी ड्राइव में भी आपको मैं बता देता हूँ पीडीएफ फाइल आपको देखने को मिलेगी इस तरीके से। तो इस तरीके से आप फिल्टर लगा सकते हैं जे फाइल चूज़र पर, बहुत ही सिंपल और ईजी है। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप अपने कमेंट्स नीचे वीडियो के नीचे ड्रॉप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए अब रेगुलर वीडियोज़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय फॉर नाउ।